हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों लियाम प्लंकेट इंग्लैंड की टीम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, क्या इम्पोर्टेंस है लियाम प्लंकेट की मिडल ओवर्स में, और क्या कोई रिप्लेस कर सकता है लियाम प्लंकेट को। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लियाम प्लंकेट के ODI के स्टैट्स, 89 मैचेस में 135 विकेट्स, जो कि क्रिस वोक्स के स्टैट्स से बेहतर है। और वर्ल्ड कप में दो थ्री विकेट होल लिए थे, एक इंडिया के ख़िलाफ़ और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में। और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में जो विकेट्स ली थी वो एक तो थी केन विलियमसन 30 पर थे और हेनरी निकल्स को 55 पर आउट किया था, और तीसरी विकेट ली थी जेम्स नीशम की। और वर्ल्ड कप में एक बात नोट करने वाली रही थी कि जिस जिस मैच में इंग्लैंड ने लियाम प्लंकेट को ड्रॉप किया वो मैच इंग्लैंड हारी, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। उसके बाद अब देखते हैं मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में सिर्फ रबाडा और बोल्ट ही ऐसे बॉलर्स हैं जो लियाम प्लंकेट से ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, और लियाम प्लंकेट से अच्छी एवरेज है पेसर्स के लिए। और लेकिन जब से लियाम प्लंकेट को छोड़ा है तब से बहुत बड़ी मिडिल ओवर्स पार्टनरशिप्स देखने को मिली है। मार्श मैक्सवेल कुछ टाइम पहले ही, बवुमा डीकॉक साल की शुरुआत में, और बेल बर्नी स्टीरलिंग आयरलैंड ने ही कर दिया था ये काम। तो उसके बाद जब तक प्लंकेट इंग्लैंड में था तब हर छः मिडल ओवर्स में एक विकेट मिलती थी, और ज़्यादातर वो विकेट प्लंकेट खुद ही लेता था। और जब से इंग्लैंड ने प्लंकेट को ड्रॉप किया है तब से स्टैट्स देखें तो हर 15 ओवर में एक विकेट, देख सकते कितना फ़र्क आ गया है, 6 ओवर में एक विकेट और 15 ओवर में एक विकेट। लेकिन जो अभी पिछला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था उसमें मिडिल ओवर्स में क्रिस वोक्स ने विकेट्स ली, लेकिन फिर आपने डेथ ओवर्स में जो ओवर्स करवाए थे वो आदिल रशीद को करवाने पड़े, और आदिल रशीद को आप हर मैच में डेथ बॉलिंग की उम्मीद नहीं रख सकते ना, इसलिए आपको प्लंकेट जैसा कोई प्लेयर चाहिए, क्योंकि प्लंकेट को आप ज़्यादा टाइम तक अगर वापस लाओगे तो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं खिला सकते। ईयर वाइज 140 km/h से ज़्यादा की स्पीड, 2016 में 17%, 17 में 8% और 18 में 7% और 19 में सिर्फ 2% बॉल से 140 से ज़्यादा थी, जो एक कारण है प्लंकेट को ड्रॉप करने का। आपको क्या लगता है, मार्क वुड, टॉम करन या सैम करन में से कोई प्लंकेट को रिप्लेस कर सकता है, या आदिल रशीद और मोइन अली को ही अब मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट्स लेनी पड़ेगी और इंग्लैंड को आगे ले जाना पड़ेगा। वीडियो ख़त्म करते करते आपको एक बात बता दूँ कि प्लंकेट का जो डेब्यू है वो स्टुअर्ट ब्रॉड से पहले हुआ था एक साल, और जेम्स एंडरसन के बिल्कुल एक साल बाद, और टेस्ट्स में भी कोई बुरे स्टैट्स नहीं है प्लंकेट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।